Hello everyone, welcome to GitHub. In this video we will discuss about types of shear failure. Okay, इसका जो previous video था उसमें हमने factors affecting bearing capacity of a foundation क्या क्या होते थे उसके ऊपर हम बात किए थे, ठीक है, जिसमें से हमारा एक था जो bearing capacity को affect करने का एक factor था मेरा shear failures, ठीक है. तो हमारा shear failures में क्या होते हैं उसके ऊपर हमें इस video में discuss करूंगा. ओके, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. देखिए, टाइप्स ऑफ हमारा जो शियर फेल्योर होता है, जनरली तीन टाइप के हमारे शियर फेल्योर्स होते हैं, ठीक है. पहला होता है मेरा जनरल शियर फेल्योर, है ना. दूसरा होता है मेरा लोकल शियर फेल्योर. तीसरा होता है मेरा पंचिंग शियर फेल्योर, है ना. ये तीन टाइप के हमारे फेल्योर्स हैं. हमें तीनों फेल्योर्स का अच्छे तरीके से मैं यहाँ में डिस्कस करूंगा. ओके, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जनरल शियर फेल्योर की हमारा जनरल शियर फेल्योर क्या होता है, ठीक है. देखिए, अगर ये मेरा एक फाउंडेशन है, अगर ये मेरा कोई एक स्लो फाउंडेशन है, ठीक है, और अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्लो फाउंडेशन में अगर मैं लोड अप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो लोड के अप्लाई कर देने से क्या होगा कि जो फाउंडेशन के जो क्लोजेस्ट जो सामने वाले जो सॉइल्स होंगे ना, उस सॉइल्स में स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस होता है, आपको तो पता है, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया. तो फाउंडेशन में जो भी मेरा लोड लग रहा है, उस लोड क्या करेगा, सॉइल में ट्रांसफर करेगा, जिसके कारण सॉइल में हमारा स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगे, ठीक है. और इस स्ट्रेस के डेवलप होने के कारण क्या होता है इन मेरा जनरल शियर फेल्योर में, कि जो फाउंडेशन के जो साइड वाले जो सॉइल्स होते हैं ना, उसमें इस तरीके का एक उभार आ जाता है, ठीक है. इस तरीके से क्या होता है, सॉइल ऊपर उठ जाती है, ठीक है, जिसको हम हीविंग बोलते हैं, है ना. तो यहाँ पे जनरली मेरा जनरल शियर फेल्योर में फाउंडेशन में क्या होता है, हीविंग होता है, ठीक है. तो देखिए इसका कुछ हमारे यहाँ स्टेटमेंट है. इट अकर्स इन स्लो फाउंडेशन व्हेन प्लेस ऑन मीडियम टू डेंस से आपका सॉइल, ठीक है. अगर मेरा जो सॉइल है, ठीक है, अगर वो मीडियम से अगर डेंस हो रहा है, यानी ऊपर वाला सॉइल का लेयर मीडियम है, उसके बाद जो नीचे हम आते जाएंगे फाउंडेशन का, तो हमको डेंस सॉइल मिलेगा. तो इस टाइप में जनरली हमारा ये फेल्योर देखने को मिलता है. नंबर वन, एट द टाइम ऑफ फेल्योर फाउंडेशन विल गेट रप्चर, टिल्टिंग, हेविंग, ब्लगिंग विल अकर एट द साइट, ठीक है. कि हमारा इसमें क्या होता है कि जब मेरा फेल्योर होगा स्लो फाउंडेशन में ड्यू टू जनरल शियर फेल्योर, तो इसमें मेरा क्या होता है, हमारा टिल्टिंग हो जाता है, हेविंग हो जाता है, ठीक है, बल्गिंग हो जाता है. यानी ये फाउंडेशन क्या करेगा, सीधा था तो इस तरीके से ये झुक सकता है, नंबर वन. नंबर टू, फाउंडेशन के ऊपर में क्या है मेरा, इस तरीके से हीव हो सकता है, यानी मेरा जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो क्या होता है, ऊपर उभार आ सकता है. दो, एंड तीसरा क्या होता है कि जो सॉइल है वो आपस में क्या होगा, कॉन्टेक्ट को कम कर देंगे, ठीक है, यानी वो क्या करेगा, बल्ग हो जाएगा, है ना, बल्किंग हो जाएगा. ओके, अब इसमें नेक्स्ट है, बिफोर फेल्योर सेटलमेंट विल बी स्मॉल एंड नेग्लिजिबल एंड स्ट्रेस जोन विल एक्सटेंडेड अप टू द ग्राउंड लेवल. यानी जब मेरा बिफोर फेल्योर, जब मेरा फाउंडेशन फेल नहीं करेगा, ठीक है, उससे पहले जस्ट हमारा क्या करेगा, एक हमारा नेग्लिजिबल जो स्मॉल स्ट्रेस जोन होता है वो डेवलप हो जाता है. और जो स्ट्रेस जोन है, यानी ये मेरा ये कहाँ चला आता है, ये ग्राउंड लेवल तक चला आता है, है ना. ये जो स्ट्रेस जोन है ये ग्राउंड लेवल तक चला आएगा बिफोर द सेटलमेंट फेल्योर. ओके, अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम जनरल शियर फेल्योर के केस में लोड वर्सेस हम क्या करते हैं, सेटलमेंट का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है. ये सेटलमेंट है, सेटलमेंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना. तो हमको क्या हो रहा है, इफ लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व इज प्लॉटेड देन क्लियर कट फेल्योर पॉइंट विल ऑब्टेन. तब हमको क्या होता है कि इस तरीके से ये क्या कर रहा है, हम लोड बढ़ाते जा रहे हैं, सेटलमेंट बढ़ रहा है, लोड बढ़ाते जा रहे हैं, सेटलमेंट बढ़ रहा है. तो एक टाइम पे ऐसा क्या होता है, हमको यहाँ पे इस तरीके से सॉइल क्या करता है, यहाँ पे फेल कर जाता है. तो इस पॉइंट पे जो फेल करेगा ना, इसको हम बोलेंगे क्लियर कट फेल्योर. यानी एक हमको फिक्स्ड पॉइंट मिल रहा है, हमको पता चल रहा है कि सॉइल क्या कर रही है, इस पॉइंट से यहां तक ये क्या कर रहा है, सॉइल फेल कर रहा है. ओके, जनरली मेरा जो जनरल शियर फेल्योर होता है वो होता है मीडियम और डेंस सॉइल में और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में, ठीक है, हमारा जनरल शियर फेल्योर होता है. ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा इसमें जो नेक्स्ट है वो है आपका लोकल शियर फेल्योर. ओके, देखिए कि मेरा लोकल शियर फेल्योर में क्या होता है, ठीक है. अगर जब मेरा लोकल शियर फेल्योर होगा, तो यानी ये मेरा फाउंडेशन है, ठीक है, तो फाउंडेशन के नीचे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उसमें जो स्ट्रेस जोन होता है वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाता है. जबकि मेरा जो जनरल शियर फेल्योर था, ये जो स्ट्रेस जोन था कहां तक पहुंचा था, ग्राउंड तक पहुंचा था. बट इसके केस में क्या होता है, ये
आपका जो बेस ऑफ द फुटिंग है ना, वहां तक भी ये नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, देखिए, इट अकर्स इन लूज सैंड एंड सॉफ्ट क्ले इन केस ऑफ स्लो फाउंडेशन। जब मेरा स्लो फाउंडेशन में लूज सैंड और सॉफ्ट क्ले होगा तभी हमको क्या होगा, इसमें लोकल शेयर फेल्योर्स मिलेंगे। ओके, नंबर वन। नंबर टू, बिफोर फेल्योर लार्ज सेटलमेंट इज रिकॉर्डेड। जब मैं क्या कर रहा हूं, आपका जो लोकल शेयर फेल्योर में क्या होगा ना कि हमको लार्ज सेटलमेंट मिलेगा तब मेरा क्या होगा, सॉइल फेल करेगा, है ना, शेयर फेल्योर तब होगा यहाँ पे। अब जबकि मेरा उसमें क्या हो रहा था, ऐसा नहीं था जनरल शेयर फेल्योर में। नेक्स्ट है, द स्ट्रेस जोन डज नॉट एक्सटेंडेड अप टू द ग्राउंड लेवल। जो हमारा जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो स्ट्रेस लेवल है ना, वो ग्राउंड लेवल तक क्या हो रहा है, ये एक्सटेंड नहीं कर रहा है, है ना। देयर मे बी लीच और नो हैविंग एट द सोयल साइड, यानी इसमें जो सॉइल है ना, इसमें इस तरीके का मेरा ये नहीं हो पाता है। ठीक है, इन लोकल शेयर फेल्योर, इफ लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व इज प्लॉटेड, प्रोग्रेसिव फेल्योर विल अकर, है ना, कि इसमें हमको क्लियर कट फेल्योर पॉइंट नहीं मिलता है। जब हम लोड वर्सेस सेटलमेंट का कर्व ड्रॉ करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं तो मेरा सेटलमेंट बढ़ते जा रहा है, सेटलमेंट बढ़ते जा रहा है। ठीक है, सेटलमेंट हमको क्योंकि इसमें लार्ज सेटलमेंट होता है ना, कि लार्ज सेटलमेंट होगा तब ये फेल करेगा मेरा जनरल शेयर, ये आपका लोकल शेयर फेल्योर, है ना। तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं मिल रहा है, यानी सॉइल कब फेल करेगी ये हम नहीं बता सकते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि इसका जो कर्व आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है, इस तरीके से कर्व आ रहा है ना, क्योंकि क्लियर कट फेल्योर पॉइंट हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, जबकि मेरा जो जनरल शेयर फेल्योर था उसमें हम देख रहे थे कि जो कर्व हम ड्रॉ कर रहे थे वो इस तरीके से कुछ फेल कर रहा था। ठीक है, इस तरीके से करके ये फेल कर जा रहा था, यानी हमको वहां पे पता चल रहा था कि ये इस पॉइंट पे फेल कर रहा है ना। ये जनरली मेरा लूज सैंड में और नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल में हमको देखने को मिलता है लोकल शेयर फेल्योर। अब जो मेरा नेक्स्ट टाइप का जो फेल्योर है वो है मेरा पंचिंग शेयर फेल्योर। ठीक है, जो पंचिंग शेयर फेल्योर है उसमें जनरली देखिए होता क्या है, अगर ये मेरा कोई फाउंडेशन है, ठीक है, अगर ये मेरा फाउंडेशन है तो इस फाउंडेशन के ऊपर हम क्या करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे, तो जो मेरा पंचिंग शेयर फेल्योर इन द सेंस की जो इस पोर्सन पे जो सॉइल होगा ना, उस पोर्सन को पंच कर देगा, यानी पंच करके काट देगा उस सॉइल को, तब मेरा इसमें फेल्योर हो जाता है, पंचिंग शेयर फेल्योर, है ना। अब देखिए इसमें कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, इट अकर्स इन डीप फुटिंग एंड पाइल व्हिच इज प्लेस्ड ऑन लूज सैंड ऑफ सॉफ्ट क्ले, है ना, कि जो मेरा पंचिंग शेयर फेल्योर होता है वो जनरली मेरा डीप फुटिंग और पाइल फाउंडेशन में ये होता है। ठीक है, ये मेरा स्लो फाउंडेशन में हम नहीं हो पाता, रीजन ये है कि जब हम लोड इसमें अप्लाई करते हैं, क्योंकि स्लो फाउंडेशन में जो लोड हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है लोड कि मेरा वो स्ट्रेस्ड जो सॉइल होते हैं सामने फाउंडेशन वाले वो स्ट्रेस्ड फील करते हैं। ठीक है, यानी स्ट्रेस हो जाता है जिसके कारण मेरा ये पंचिंग शेयर फेल्योर नहीं हो पाता है। जबकि जब मेरा फुटिंग काफी जब लॉन्ग रहेगा, ठीक है, काफी जमीन के नीचे धसी हुई रहेगी, तब हमारा ये फाउंडेशन, ये आपका फेल्योर होता है ना। इन दिस फेल्योर सॉइल बिलो द फाउंडेशन गेट्स कट ऑफ फ्रॉम एडजेसेंट सॉइल बाय शियरिंग एंड एक्सेसिव और लार्ज सेटलमेंट इज रिकॉर्डेड। कि इसमें क्या होता है कि जब हम क्या कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरा लोड अप्लाई करते करते क्या होगा कि जो सेटलमेंट है वो काफी लार्ज सेटलमेंट हमको मिलता है, क्योंकि जो मेरा सॉइल होते हैं, ठीक है, यहां से जो मेरा बेस ऑफ द फुटिंग वो कट ऑफ हो जा रहा है, यानी काट के वो क्या कर रहा है, हटते जा रहा है, और जो मेरा सेटलमेंट वो नीचे चला जा रहा है ना, सेटलमेंट बढ़ते जा रहा है। द एडजेसेंट सॉइल रिमेन अनस्ट्रेस, यानी ये मेरा जो फाउंडेशन है इसके अगल बगल का जो सॉइल होगा ना, इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। जबकि मेरा जनरल शेयर फेल्योर में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा था वो ग्राउंड सरफेस तक वो हो रहा था, ठीक है, जबकि मेरा जो लोकल शेयर फेल्योर था उसमें जो स्ट्रेस मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, यानी स्ट्रेस जो मेरा हो रहा था सॉइल का, वो कहां तक हो रहा था, ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच रहा था, जस्ट मेरा बेस ऑफ द फुटिंग तक एनफ ज्यादा से ज्यादा वो पहुंच पा रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इफ लोड सेटलमेंट कर्व इज प्लॉटेड देन प्रोग्रेसिव फेल्योर विल अकर, है ना, कि जिस तरीके से मेरा लोकल शेयर फेल्योर था कि क्या कर रहे हैं, हम लोड बढ़ाते जा रहे हैं जिसके कारण हमको एक्सेसिव सेटलमेंट मिल रहा है, तो हमको एक कोई क्लियर पॉइंट हमको नहीं मिल रहा है, क्लियर कट पॉइंट जिस पे हम बोल सकते हैं कि ये मेरा सॉइल है इस लोड पे फेल किया, है ना, क्योंकि हमको एक कोई शार्प पॉइंट तो मिलना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं होता है। मेरा पंचिंग शेयर फेल्योर में भी ऐसा नहीं होता है कि हम लोड बढ़ाते जा रहे हैं सेटलमेंट मेरा होते जा रहा है, लोड बढ़ाते जा रहे हैं तो सेटलमेंट होते जा रहा है,
ठीक है। तो देखिए जो मेरा तीनों फेल्योर थे उसको मैं इस ग्राफ से मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, ठीक है। ठीक है, जो जनरल शेयर फेल्योर था उसमें क्या कर रहे थे कि लोड और सेटलमेंट का हम कर्व ड्रॉ कर रहे थे, तो मेरा जो सॉइल है ना एक पॉइंट आने के बाद ये क्या कर रहा था, फेल कर जा रहा था। तो उस फेलियर पॉइंट में क्या हो रहा था, इस तरीके से शार्प कट ऑफ पॉइंट हमको दिखता था फेल्योर पॉइंट। तो ये जो मेरा हो गया वो जनरल शेयर फेल्योर में, जबकि मेरा जो लोकल शेयर फेल्योर था उसमें हम क्या कर रहे थे, लोड वर्सेस सेटलमेंट का कर्व ड्रॉ कर रहे थे, तो हमको यहाँ पे एक्सेसिव सेटलमेंट मिल रहा है, यानी हम ये नहीं बता सकते कि किस लोड पे है ना और कितने सेटलमेंट पे मेरा फाउंडेशन फेल कर रहा है। सिमिलरली इन पंचिंग शेयर फेल्योर कि हमारा जो लोड वर्सेस सेटलमेंट का जो कर्व होगा वो काफी एक्सेसिव होगा, जो सेटलमेंट है ठीक है वो काफी ज्यादा हो जाएगा मेरा एज कंपेरिजन टू लोड अप्लाइड। ओके, तो देखिए जनरली जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है ठीक है कि लोकल शेयर फेल्योर और हमारा जनरल शेयर फेल्योर में डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में हमें अगर नहीं मेंशन किया रहेगा कि ये मेरा जनरल शेयर फेल्योर हो रहा है फाउंडेशन में या फिर लोकल शेयर फेल्योर हो रहा है, तो उस चीज को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास कुछ डाटा अवेलेबल है, ठीक है। इन डाटा के यूजफुल या मतलब यूज करने से हम पता लगा सकते हैं जो मेरा फाउंडेशन है वो उसमें कौन सा फेल्योर हो रहा है ना। तो इसको देखिए, देखिए सबसे पहले यहां मैं बात कर रहा हूँ जनरल शेयर फेल्योर का और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लोकल शेयर फेल्योर का। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सेंड का, ठीक है, जिसमें हमारा यहाँ जो फ्रिक्शनल ये फ्रिक्शन एंगल फाई है, अगर मेरा फ्रिक्शन एंगल फाई का वैल्यू अगर 36 डिग्री से अगर ज्यादा दिया रहेगा तो मेरा जो सॉइल होगा वो जनरल शेयर फेल्योर होगा, जबकि मेरा 28 डिग्री से अगर मेरा कम रहेगा फाई का वैल्यू तो वो मेरा हो जाएगा लोकल शेयर फेल्योर, है ना। अब आगे देखते हैं जो मेरा एसपीटी नंबर से भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं आगे आपको एसपीटी नंबर बताऊंगा कि ये होता क्या है, ठीक है। फिलहाल जानिए जो एसपीटी नंबर अगर 30 से ज्यादा होगा तो मेरा जो सुहा वो जनरल शेयर फेल्योर होगा, जबकि 5 से अगर मेरा कम होगा आपका एसपीटी नंबर तो मेरा लोकल शेयर फेल्योर होगा। एंड रिलेटिव डेंसिटी आईडी, अगर मेरा रिलेटिव डेंसिटी आईडी अगर ये वैल्यू 70% से अगर ये मेरा ज्यादा हो रहा है तो मेरा होगा जनरल शेयर फेल्योर, और 30% से ज्यादा हो रहा है रिलेटिव डेंसिटी तो मेरा हो जाएगा लोकल शेयर फेल्योर, है ना। ये तो था मेरा सैंड के केस में। अब चलिए हम देख लेते हैं क्ले के केस में, ठीक है, कि क्ले में क्या होता है। देखिए क्ले के लिए है मेरा, ठीक है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी सीयू का जो वैल्यू है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का वैल्यू, अगर वो वैल्यू जो है वो अगर ग्रेटर देन 100 होगा न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो मेरा जनरल शेयर फेल्योर हो गया, और लोकल मेरा अगर 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से अगर मेरा कंप्रेसिव आपका कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का वैल्यू कम होगा तो हो जाएगा लोकल शेयर फेल्योर। ओके, अब चलिए हम देख लेते हैं ना कि एक छूट गया था यहाँ पे कि वॉइड रेशियो, है ना। अगर मेरा वॉइड रेशियो 0.55 से अगर ग्रेटर है ना तो हो जाएगा जनरल शेयर फेल्योर, और अगर मेरा जो वॉइड रेशियो है ई का वैल्यू अगर वो ग्रेटर है 0.75 से देन वी कैन से दैट इट इज लोकल शेयर फेल्योर। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ शेयर फेल्योर विच अकर्स इन सिलो फाउंडेशन। ओके, आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।